दोस्तों की हाल है। आज मैं आया इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन देवे कि इंडस्ट्रियल फ्लोर जो नवे बन रहे हैं वह की बेनीफिट है और तुम उन्होंने किस रेंट परपज वास्ते यूज कर सकते हो। ठीक है जी, और चलो देखते हैं। दिल्ली में है इंडस्ट्रियल एरिया और यदि मैं सारी डिटेल तुम्हें दसना, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। कॉमन एंट्री है, वो गुड्स के लिए सामान आने के लिए ट्रक बैक होके लग जाएगा यहाँ पे। और लिफ्ट भी है, कॉमन एक्सेस सबके पास है। ये ट्रक बैक होके लगेगा यहाँ से, ट्रक बैक होके लगेगा। लिफ्ट है, जैसे वहां से सामान आपने यहाँ पे लाना है उसके लिए। लिफ्ट का गेट है, कितना एरिया इसका? 316 स्क्वायर है। 316 गज है। ये टॉयलेट है? 250 स्क्वायर। ये टॉयलेट है? ये टॉयलेट है। पीछे शॉप भी है, जो आप ये विंडो देख रहे हो छोटी सी, ये शॉप है दोस्तों। ये जो है न्यूली बना हुआ है, ये इतना बड़ा है, 300 गज का, 325 गज का है और पूरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। बीच में कोई पिलर नहीं है, सारे साइड्स में पिलर है, बीम दे रखे हैं पूरी स्ट्रेंथ के लिए। और ये लेंटर हैवी लेंटर है, इस पर 100 टन का वजन डाल सकते हो, 100 टन की गारंटी है। और वो जो एरिया है पीछे, ये आप अपना ऑफिस कैबिन बना सकते हो और साथ में उसमें विंडो रख दो। यहाँ पे विंडो रख दोगे तो ये सारा यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, मशीन्स की एक्टिविटी, वर्कर्स के ऊपर आप सुपरवाइज कर सकते हो आराम से। पावर कनेक्शन की बात करूं तो मैक्सिमम कैपेसिटी का पावर कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हैवी मोटर्स के लिए, हैवी मशीनरी के लिए। ये वॉशरूम है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 90 लाख से 1 करोड़ की है, जिसमें आपको 100 गज का फ्लोर मिल जाएगा और उसका रेंट 30 से 40 हज़ार आ जाएगा। सबसे बेस्ट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, पक्की रजिस्ट्री है। ठीक है जी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। एक गुड स्लिप्ट है, तो फर्स्ट फ्लोर होता है, उसमें वॉशरूम जो होता है बाहर होता है। Yes, ma'am.
स्पेस है, आराम से एक फैक्ट्री लग सकती है। वेंटिलेशन में पूरा है, आगे से आती है यहाँ से वेंटिलेट होके फिर जाती है शॉप में। इसमें आप एक एग्जॉस्ट फैन डाल सकते हो, ये भी बना होगा, एक्सेस भी है इसको बिल्कुल। इसमें ऑलरेडी सामान रखा हुआ है।